मथुरा के बरसाना में स्थित राधा रानी मंदिर में आगामी राधाष्टमी महोत्सव को देखते हुए 3 और 4 सितंबर को मंदिर के खुलने और बंद करने के समय में बदलाव किया गया है। साथ ही मंगला आरती दर्शन और श्रृंगार आरती के समय में भी बदलाव किया गया है। राजस्थान के करौली स्थित अंजनी माता मंदिर एक प्रमुख पर्यटन तीर्थ स्थल के रूप में निखर कर सामने आ रहा है, जिससे यहाँ इन दिनों लोगों की भीड़ देखने को मिल रही है। अयोध्या में जल्द ही दिखेगी त्रेता युग की झलक। करीब 1200 एकड़ में बनाया जा रहा है नव्य अयोध्या, जिसके लिए दिन रात चल रहा है काम। वहीं राज्य के अतिथि गृह भी बनाए जाएंगे। कल देश भर में धूमधाम के साथ शुरू होगा गणेश चतुर्थी का महापर्व। वहीं इंदौर स्थित खजराना गणेश मंदिर में पहले दिन भगवान गणेश का विशेष श्रृंगार सोने के आभूषण से किया जाएगा। प्रयागराज स्थित बड़े हनुमान जी मंदिर में पिछले कई दिनों से मां गंगा हनुमान जी को स्नान करा रही हैं। मां गंगा का जल अब श्री राम जानकी मंदिर तक पहुंच गया है। वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में बनने वाले कॉरिडोर को काशी विश्वनाथ कॉरिडोर से भी बड़ा बनाया जाएगा, जिसमें एक बार में तकरीबन 60 से 70 हजार श्रद्धालु दर्शन कर सकेंगे। उज्जैन में गणेश चतुर्थी की तैयारियां जोरों पर हैं। भगवान गणेश की केवल मिट्टी से बनी प्रतिमाओं को ही किया जाएगा स्थापित, जिन्हें प्राकृतिक रंगों से भी रंगा जाएगा। महाकालेश्वर मंदिर में लगाए गए सीसीटीवी कैमरे से अब श्रद्धालुओं की फेस रीडिंग के साथ गिनती भी हो सकेगी। इसके लिए चांदी द्वार और कार्तिकेय मंडपम में भी कैमरे लगाए गए हैं। श्री राम मंदिर निर्माण कार्य के साथ अब मंदिर के गर्भगृह को आकर्षक और भव्य रूप देने के लिए संगमरमर के पत्थर लगाए जाएंगे, जिसपे कमल के फूल दिखाई देंगे। वहीं इन पत्थरों पर आकृतियां भी उकेरी जाएंगी। इंदौर में गणेश उत्सव की तैयारियां बाजारों में दिखने लगी हैं। कोरोना के 2 साल बाद इस बार धूमधाम से मनाया जाएगा गणेश उत्सव। प्रशासन की ओर से भी व्यवस्था चाक चौबंद की जा रही है। मध्य प्रदेश के रीवा सिधी के बीच बन रहे मोहनिया सुरंग का लगभग निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया है। अब इसे पर्यटन के लिहाज से विकसित करने की योजना है, जिससे पर्यटन को भी बढ़ावा मिल सके। अक्टूबर से आगरा में पर्यटन सीजन की शुरुआत होने जा रही है, जिसमें हर रोज करीब 700 से 800 विदेशी पर्यटक आते हैं, जिससे पर्यटन कारोबार को बढ़ावा तो मिलेगा ही, साथ में अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी। राजस्थान स्थित कपासन के मेवाड़ में शनि महाराज मंदिर के दान पात्र को खोला गया, जिसमें करीब 25 लाख रुपए मिल चुके हैं। अभी गिनती बाकी है। आगरा के सिविल लाइन स्थित हनुमान मंदिर में देखी जा रही है भक्तों की भीड़। यहां हर दिन हजारों की संख्या में श्रद्धालु दर्शन पूजन करने के लिए आते हैं। ये मंदिर शहर की आस्था का केंद्र भी है। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में स्थित नंदा देवी मंदिर परिसर में मेले की तैयारियां की जा रही हैं। आपको बता दें कि 1 सितंबर से 7 सितंबर तक यहां पर मेला लगेगा। दिल्ली से शिमला के लिए जल्द ही हवाई उड़ानों का संचालन किया जाएगा। मिली जानकारी के मुताबिक 6 सितंबर से उड़ानों को शुरू किया जा सकता है। फ्लाइट शुरू होने के बाद पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। केदारनाथ धाम को प्लास्टिक मुक्त बनाने की कवायद शुरू कर दी गई है, जिसके चलते धाम में फैल रही प्लास्टिक की बोतलों को इकट्ठा किया जा रहा है। वहीं जो भक्त QR कोड वाली प्लास्टिक की बोतल को वापस करेंगे, उन्हें बोनस के रूप में 10 रुपए दिए जाएंगे। छत्तीसगढ़ में गणेश चतुर्थी के पर्व को लेकर प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनी मूर्तियों के निर्माण पर रोक लगा दी गई है। साथ ही मूर्तियों का विसर्जन नदी, तालाब और घाट पर करने पर भी रोक रहेगी। मूर्तियों का विसर्जन नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के निर्देशों के अनुसार किया जाएगा। अयोध्या में रामलीला की तैयारी जोरों पर चल रही है। रामलीला का सीधा प्रसारण सोशल मीडिया, यूट्यूब और दूरदर्शन पर किया जाएगा। रामलीला का मंचन 25 सितंबर से लेकर 5 अक्टूबर तक चलेगा। महाराष्ट्र में गणेश चतुर्थी के मौके पर गणेश पंडालों की भी धूम रहती है, जिसकी लागत करोड़ों में होती है। यही कारण है कि पंडालों का बीमा भी कराया जाता है। मिली जानकारी के मुताबिक एक पंडाल का करीब 300 करोड़ रुपए से भी अधिक का बीमा कराया जाता है।